नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 अप्रैल शनिवार शाम 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 मरीजों की मौत हो गई है। बत्रा और सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की बेहद किल्लत है और कुछ ही समय के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के MD डॉक्टर DK बलूजा ने दावा किया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी के कारण करीब 25 बेहद गंभीर मरीजों की मौत हो गई। दूसरी ओर बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंच गया है। उदयपुर जिले के सुखेर थाना क्षेत्र के चिरवा टनल के पास स्थित लाभगढ़ रिसोर्ट में 17 अप्रैल की रात को हुई शादी में सूट बूट में आया एक युवक जेवर से भरा बैग लेकर फरार हो गया। बैग में दुल्हन का सोने का मंगलसूत्र, 2 अंगूठी और नकदी थी। बाद में परिवार के सदस्यों ने CCTV फुटेज देखे तो पता चला कि आरोपी युवक दुल्हा दुल्हन में से किसी भी पक्ष का मेहमान नहीं था। पुलिस ने बताया कि मुंबई थाना कुशाल नगर शिव अपार्टमेंट निवासी दुल्हन निशा पत्नी प्रदीप जेठवानी ने बताया कि लाभगढ़ रिसोर्ट में रात को फेरे हो रहे थे। पास में ही जेवर का भरा बैग रखा हुआ था। सभी फेरों की रस्मों में व्यस्त थे, तभी बैग गायब हो गया। पुलिस ने युवक की तलाश शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को 24 सप्ताह का गर्भपात करवाने की मंजूरी दी है। वहीं CMHO कोटा को निर्देश दिए हैं कि वह तत्काल मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता का परीक्षण करे और संभव होने पर पीड़िता के स्वास्थ्य और एडवांस स्टेज को देखते हुए तुरंत गर्भपात किया जाए। जस्टिस पंकज भंडारी ने यह निर्देश पीड़िता के पिता के जरिए दायर याचिका पर दिया। अदालत ने गर्भपात के बाद भ्रूण को DNA जाँच के लिए भी सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। कोटा जिले के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में एक बेखौफ बदमाशों ने घर के बाहर पिता पुत्र पर फायरिंग कर दी। अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले दहशत में आ गए। इधर वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। फायरिंग में घायल पिता पुत्र को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने पिता बलराज सिंह को मृत घोषित किया। गंभीर हालत में बेटे दिव्यांश का इलाज जारी है। पुलिस ने बताया कि वारदात के समय वो घर के बाहर बैठे थे, इसी दौरान कार सवार बदमाशों से कहासुनी हुई। बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि उद्योगनगर इलाके में जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन थाना क्षेत्र के उदयपुर मार्ग स्थित आदर्श कॉलोनी में 2 व्यक्तियों के कुएं में गिरने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कुएं पर ढकी हुई पट्टी टूट जाने से यह हादसा हुआ। सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि एक व्यक्ति को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि पुलिस समाचार लिखे जाने तक दूसरे व्यक्ति की तलाश कर रही थी। यह कुआं करीब 50 फीट गहरा बताया जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र के मौरण गांव में विद्युत लाइन का तार गिरने से एक झोपड़े में आग लग गई। झोपड़े में आग लगने से झोपड़े में रह रहे परिवार के 3 लोग झुलस गए, वहीं एक गौवंश की भी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। पुलिस ने गंभीर हालत में झुलसे परिवार के लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, वहीं मामले की जाँच शुरू कर दी है। जयपुर चित्रकूट इलाके में साइबर ठगों द्वारा एक बुजुर्ग को टेलीकॉम कंपनी से 3,20,000 रुपये का इनाम जीतने का झांसा देकर 39 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। वैशाली नगर निवासी अभिमन्यु ने चित्रकूट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि आपने टेलीकॉम कंपनी से 3,20,000 रुपये का इनाम जीता है, एक नंबर दिए हुए थे। पीड़ित ने संपर्क किया तो बदमाश ने खुद का नाम अंकित बताकर 13,500 रुपये टैक्स जमा करवाने की बात कही। उसके बाद बदमाशों ने पीड़ित को आए दिन इनाम की राशि बढ़ाकर अलग अलग चार्जेस लगाकर अब तक 39 लाख रुपये जमा करवा लिए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। IPL 14वें सीजन में तालिका में सबसे निचले स्थान पर काबिज राजस्थान रॉयल्स आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी। RR ने 4 मैचों में सिर्फ 1 जीत हासिल की है और सभी टीमों के बीच उसका नेट रन रेट सबसे खराब है। उसके प्रतिद्वंदी कोलकाता को भी मुश्किल हो रही है और उसने भी 4 मैचों में 1 ही जीत दर्ज की है, लेकिन कोलकाता की टीम नेट रन रेट के मामले में RR और पंजाब किंग्स दोनों से आगे है। राजस्थान को इंग्लैंड के प्रमुख खिलाड़ी ऑलराउंडर बैन स्टॉक्स और तेज गेंदबाज जुराफा आर्चर की कमी खल रही है, जो चोट के कारण दोनों स्वदेश लौट चुके हैं।
ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.